हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहिनी जवान, प्रज्ञा विडोबल एजुकेशन चैनल में आज सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो लेके आया हूँ, और इसका सबसे बड़ी वजह है जो कि जुलाई के महीने के बीच में मेरे को हार्निया नाम का बीमारी हो गया था और मेरे को मेडिकल में एडमिट होना पड़ा था, और डॉक्टर ने 15-20 दिन का भी आराम करने का सलाह दिया गया था। और इसके बीच में आप लोग के लिए मैं अपडेट जानकारी देखता रहा था, लेकिन मेरी मजबूरी था कि ऐसी हालत में मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, तो इसके लिए मैं आप लोग से क्षमा चाहता हूँ इसकी देरी के लिए। तो चलिए हम लोग फटाफट शुरू करते हैं। आप लोग के लिए कुछ अपडेट जानकारी लेकर आया हूँ, और ये खासकर 9वीं क्लास के लिए, जिनका पहला काउंसलिंग लिस्ट में नाम नहीं आया, और सेकंड सेकंड काउंसलिंग लिस्ट में आप लोग का नाम भी जारी किया गया है, मैं आप लोग को भी दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा यहाँ पर पत्र भी पढ़ देता हूँ, क्या क्या जानकारी दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर कार्यालय आयुक्त अधीन जाति तथा अनुसूचित जाति विकास नया रायपुर छत्तीसगढ़ तरफ से जारी किया गया है। कब जारी किया गया? 24/7/2023, जो कि बहुत लेट हो गया है। विषय है प्रयास बालक कन्या आवासीय विद्यालयों के सत्र 2023-24 कक्षा 9वीं में ड्यूटी चयन सूची, यहाँ पर ड्यूटी चयन सूची भी जारी कर दिया गया है, और प्रतीक्षा सूची से प्रवेश हेतु काउंसलिंग की सूचना, मतलब आपके वेटिंग लिस्ट भी जारी कर दिया गया है, ड्यूटी चयन सूची भी जारी कर दिया गया है, उसके साथ में आपका प्रतीक्षा सूची। ठीक है, और ये सब सूची आप लोग eklavya.cg.nic में आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा भ्रमित लग रहा होगा कि एकलव्य में क्या देखेंगे, जो कि सारा जानकारी एकलव्य के वेबसाइट में दिया जा रहा है, जो कि प्रयास के लिए कोई अलग से वेबसाइट नहीं है, ये चीज का ध्यान रखिएगा। और ये जो परिणाम जारी किया गया 30 अप्रैल को जारी किया गया था, अब यहाँ पर काउंसलिंग का विवरण इस प्रकार दिया गया है, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर लिखा है अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी तथा सामान्य वर्ग जनरल के बालक एवं कन्या 31/7/2023 को है, प्रातः 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक चलेगा, और काउंसलिंग के स्थल है प्रयास कन्या आवासीय विद्यालय गुरियारी जिला रायपुर छत्तीसगढ़। ठीक है, उसके बाद दूसरा है अनुसूचित जाति जनजाति ST के बालक एवं कन्या, ये इसका दिनांक है 1/8/2023 को, वही सेम समय है, 10 बजे से लेकर 5 बजे तक चलेगा आपकी प्रयास कन्या आवासीय विद्यालय गुड़ियारी में। अनुसूचित जाति का SC वर्ग के बालक और कन्या का है तो 8/2023 को चलेगा, इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये कल ही अपलोड होगा, आप लोग को भी देख लिए होंगे, लेकिन कल आप लोग को ये वीडियो जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, आज शूट हो रहा है। इस संबंध में लेख है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार का अवसर दिया गया था, अतः ऑनलाइन आवेदन पत्र में लिखित जाति वर्ग इत्यादि की जानकारी मान्य होगी। प्रतीक्षा सूची के विद्यार्थियों के स्थान रिक्त होने पर कौशली हेतु पृथक से सूचित किया जाएगा। यहाँ पर सूची दिया हुआ है, इसमें जैसे हर संस्था के पीछे में कितना भरा है, कितना खाली है, ये सब पूरा जानकारी यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि इस बार बहुत कम भर्ती हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप लोग का सूची दिया हुआ है, यहाँ पर स्टूडेंट का कोड दिया है, फॉर्म जब भरते समय कोड आता है, स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, डिस्ट्रिक्ट नेम, मार्क्स, आपका डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, ये सब दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग एकलव्य की वेबसाइट में जाइएगा, ये सारी चीज अपलोड देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आज का वीडियो बस इतना ही। जानकारी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।